हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो तक हमने बात किया था असेंशियल एंड डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर, जो होनी होनी चाहिए असेंशियल प्रॉपर्टी और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम बात करेंगे स्पिनिंग के बारे में कि स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर्स इनटू यार्न। सो जैसे हमने लास्ट कुछ वीडियो में बात किया था, जैसे ही आपका फाइबर जो प्लक होता है फील्ड के ऊपर से, कॉटन फाइबर, हम लोग कॉटन के बारे में एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये कॉटन फाइबर जो है वो जिनिंग फैक्ट्रीज में जाता है। जिनिंग में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके जो कॉटन को सीड से सेपरेट करना। अब जिनिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली स्पिनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब जिनिंग हो जाती है, जब कॉटन जो है उसके सीड से सेपरेट हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से वो बेल फॉर्म के अंदर पैक हो जाता है। तो उसको पैक कर देते हैं जिनिंग प्रोसेस के अंदर, और ये जो बेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बेल जो है वो जाते हैं स्पिनिंग यूनिट्स में, जहां पर इसको कन्वर्ट किया जाता है धागे की प्रोसेस में। नाउ स्पिनिंग, हम लोग अब कॉटन के फाइबर में बात कर रहे हैं, तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यार्न। बेसिक अगर हम लोग समझा जाए तो हम लोगों को कॉटन से धागा बनाना है। नाउ जब हमको कॉटन से धागा बनाना है, तो एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। अगर आपने कभी दिए की बाती देखी होगी, तो दिए की बाती के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं। उस कॉटन को आप कंटिन्यूअसली ट्विस्ट देते रहते हैं अपने हाथों से, दोनों साइड से आप उसको रब करते हैं, और फाइनली आपकी दिए की बाती तैयार हो जाती है। कुछ इस तरीके से ही धागा बनाया जाता है, बस उसको मशीन के माध्यम से बनाया जाता है। सो सबसे पहला है स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यार्न। अब ये फाइबर जो है वो जिनिंग फैक्ट्री से हमारे स्पिनिंग यूनिट में आ गए हैं। सबसे पहले हम मशीन्स लिख लेते हैं, तो आपको इजी होगा समझने के लिए। ब्लोरूम, कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, कोम्बर, स्पीड फ्रेम एंड रिंग फ्रेम। और ये कोम्बर जो है विल मार्क इट एज ऑप्शनल। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि अगर आप कोम्ब यार्न बना रहे हैं, इसके लिए भी अलग अलग चीजें होती है, तो अभी हम लोग कोम्ब यार्न या स्पेसिफिकली यार्न के टाइप्स में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली बेसिक एक फ्लो हमने समझ लिया है। तो आप ऐसे समझिए कि मैंने जितने भी अभी फ्लो लिखे हैं, तो आपका जो फाइबर है सबसे पहले ब्लोरूम मशीन में जाएगा, ब्लोरूम से कार्डिंग में जाएगा, कार्डिंग से ड्रॉ फ्रेम मशीन में, फिर कोम्बर में, फिर स्पीड फ्रेम मशीन में, और रिंग फ्रेम जो है, रिंग फ्रेम एक ऐसा मशीन है जो फाइनल मशीन है, जहां से आपको आपका फाइनल धागा मिलने वाला है। नाउ लेट्स डिस्कस एक एक जो मशीन्स के बारे में हमने बात की है, या एक एक डिपार्टमेंट के बारे में बात किया है, हर किसी के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एक इजी वे के अंदर, और उसके कुछ पिक्चर्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्लोरूम के बारे में। ओके, तो ब्लोरूम कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो आपके जो बेल्स है, जो हम आपके जिनिंग से आए हुए बेल है, ये सबसे पहला प्रोसेस है स्पिनिंग का। तो इस तरीके से कुछ ओपनर्स होते हैं ब्लोरूम के अंदर। अब ब्लोरूम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपके बेल जो है कंप्रेस फॉर्म में होते हैं, तो आपको जो कॉटन आपका है वो कॉटन को ना फ्लॉक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, या उसके छोटे छोटे हिस्से करना उन कॉटन के। तो वो बेल का जो कंप्रेस्ड कॉटन होता है, तो ब्लोरूम अलग अलग लेवल पे अलग बहुत सारी मशीन्स के एक सेट्स लगे होते हैं ब्लोरूम में, जो कॉटन को छोटे छोटे फॉर्म के अंदर, टाइनी टाइनी पोर्शन के अंदर कन्वर्ट करता है। नाउ अगर हम रीटर की बात करें, यूनिफ्लॉक, यूनिक्लीन, यूनिमिक्स, यूनिफ्लेक्स, ऐसे चार मशीन का एक सेट रहेगा, और उन चार मशीन के अंदर से कॉटन जाएगा, जहां पर इसकी बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसमें से निकल जाएगी, जितनी भी गंदगी है वो सारी चीजें ब्लोरूम निकाल देगा। एंड फाइनली जो ब्लोरूम का आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में अगर बात करें, तो ब्लोरूम के अंदर आप इनपुट डालते हैं बेल कॉटन, और आपको आउटपुट में मिलता है लैप, या आपको डायरेक्टली अभी जो नए है चूट फिट सिस्टम से डायरेक्टली ये कार्डिंग में मशीन में फिट हो जाता है। तो पहला मशीन आप ऐसा समझिए ब्लोरूम होता है। ब्लोरूम एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट मशीनरीज होती है। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो बड़े फ्लॉक्स है या जो बड़ा कॉटन का जो मास है, उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना, और उसमें से बहुत सारी इंप्योरिटीज, डर्ट डर्ट डस्ट वगैरह सारी चीजें रिमूव करना। सेकेंड मशीन जो है वो है आपकी कार्डिंग मशीन। नाउ कार्डिंग मशीन जो है, अब जैसे हमने देखा कि लैप और चूट फिट सिस्टम, तो हम लैप का भी फोटो देख लेते हैं। ब्लोरूम लैब के बारे में हम देख लेते हैं कि ब्लोरूम लैब कैसा दिखता है। ये पुराना हो गया है, तो लैब कुछ इस तरीके का दिखता है ब्लोरूम का। ओके, तो ये आपका लैब होता है जो नेक्स्ट मशीन को फीड होता है। सो इसी तरीके से अगर हम देखें, तो कार्डिंग मशीन के अंदर जो इनपुट हो जाएगा वो हो जाएगा लैब, या चूट फीड से डायरेक्टली फाइबर। ओके, और कार्डिंग मशीन आपको मिलता है स्लाइबर। नाउ कार्डिंग इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ स्पिनिंग।
सो कार्डिंग के अंदर जो है फाइबर को इंडिविजुअलाइज किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पर आपका जो कॉटन फाइबर है वो इंडिविजुअल होता है और आपको इसका आउटपुट मिलता है स्लाइवर। तो स्लाइवर कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये देखिए ये आपका हो गया स्लाइवर। तो इस तरीके से आपको कार्डिंग से आपका स्लाइवर मिल जाएगा। नाउ आपको कार्डिंग से स्लाइवर मिलने के बाद आपका नेक्स्ट मशीन होगा ड्रॉ फ्रेम। ड्रॉ फ्रेम हम लोग बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। तो लेट से एक कार्डिंग मशीन में से स्लाइवर निकला, तो ऐसे हम लोग 6 से 7 स्लाइवर्स लेंगे और उन सबको एक साथ मिलाएंगे, और एक साथ मिला के लेट से हम लोगों ने 6 स्लाइवर एक साथ मिलाए तो हम उसको 6 गुना खींचेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग, उनको ड्राफ्ट देना, यही ये मशीन का ऑब्जेक्टिव होता है। सो आपका जो ड्रॉ फ्रेम मशीन है कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पीछे देखिए 1, 2, 3, 4 अलग स्लाइवर्स लगे हुए हैं और वो इतने सारे स्लाइवर मिला के उसका एक स्लाइवर बन रहा है। मैं अगेन यहाँ पर इनडेप्थ चीजों में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ स्पिनिंग प्रोसेस का और ये मशीनरीज के बारे में। तो ड्रॉ फ्रेम का मेन ऑब्जेक्टिव आपका हो गया कि उसको ड्रॉ करना, उसको ओरिएंट करना और बहुत सारे स्लाइवर्स को मिला के एक यूनिफॉर्म स्लाइवर बनाना। तो यूनिफॉर्मिटी अचीव करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रॉ फ्रेम मशीन। तो यहाँ पर ड्रॉ फ्रेम के अंदर आपने डाला कार्डेड स्लाइवर, बिकॉज जो कार्डेड मशीन थी वो लास्ट मशीन थी और आपको आउटपुट इसका मिल गया ड्रॉन स्लाइवर। ओके, अभी के लिए हम कुंबर जो है वो ऑप्शनल रख के उसको स्किप कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का प्रोसेस है स्पीड फ्रेम मशीन। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि जो बाती के फॉर्म होते हैं, तो अब आपका स्लाइवर जो है वो स्टिल थोड़ा मोटे फॉर्म में है तो हमको इसको और पतला करना है। तो अगर इसको और पतला करना है तो हम लोग उसके लिए स्पीड फ्रेम मशीन यूज करेंगे। तो स्पीड फ्रेम में बेसिकली हम ड्रॉन स्लाइवर डालेंगे जो हमको लास्ट मशीन से मिला और हम लोगों का आउटपुट मिलेगा रोविंग। रोविंग तो सबसे पहले स्पीड फ्रेम मशीन देखते हैं। स्पीड फ्रेम मशीन कुछ इस तरीके की दिखती है। ओके, कुछ इस तरीके की स्पीड फ्रेम मशीन होती है और स्पीड फ्रेम मशीन से जो आपको रोविंग होता है, रोविंग, तो रोविंग आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। दिस इज योर रोविंग जो कि आपको स्पीड फ्रेम मशीन से मिलता है। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल प्रोसेस व्हिच इज रिंग फ्रेम मशीन। अब जैसे ही आपको ये रोविंग मिल जाता है, फाइनल मशीन जो है आपकी वो होती है रिंग फ्रेम, जहां पर आपको धागा बनता है। तो आप ये मशीन के अंदर रोविंग फीड करते हो और यहां से आपको मिलता है यार्न। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिंग फ्रेम मशीन इज कि वो जो रोविंग होता है वो उसको ट्विस्ट देता है, ड्राफ्ट देता है, फाइनली उसको यार्न में कन्वर्ट करता है। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ द स्पिनिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन। सो हमने शुरुआत की ब्लोरूम से। ब्लोरूम के अंदर बहुत सब मशीन होते हैं, तो वो सब मशीन के अंदर से कॉटन जाता है जहां पर उसकी इंप्योरिटीज निकाली जाती है। देन हम आते हैं कार्डिंग मशीन के ऊपर। कार्डिंग मशीन में आपके जो है फाइबर इंडिविजुअलाइज होते हैं और आपको स्लाइवर में कन्वर्ट हुआ जाता है। जो कार्डेड स्लाइवर होता है वो ड्रॉ फ्रेम में जाता है और ड्रॉ फ्रेम के अंदर बहुत सारे कार्डेड स्लाइवर मिला के इंडिविजुअल एक यूनिफॉर्म स्लाइवर बना जाते हैं जिनको कहते हैं ड्रॉन स्लाइवर। वो ड्रॉन स्लाइवर जो है वो आपके स्पीड फ्रेम मशीन में जाते हैं। स्पीड फ्रेम मशीन में उसको और खींचा जाता है और पतला बनाया जाता है और खींचने के बाद उससे एक रोविंग फॉर्म होती है और वो रोविंग फाइनली जो है वो रिंग फ्रेम मशीन में जाती है और रिंग फ्रेम मशीन में उसको ट्विस्ट दिया जाता है। ट्विस्ट देने के बाद वो फाइनली आपको यार्न मिल जाता है। सो ये प्रोसेस था आपका स्पिनिंग का। इस तरीके से आपका जो है वो धागा बनता है। ओके, सो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।